तुझे क्या लगता है, ये हम कर रहे हैं? हमारी कहानी लिखी हुई है और ये दुनिया क्या, दुनिया के लोग क्या, हम खुद भी उसे नहीं बदल सकते। लैला, उठ लैला, हद होती है। अगर 10 मिनट में नीचे नहीं आया ना तो तेरी कसम छोड़ के चली जाऊंगी। यार अंबू, फिर से वही ख्वाब आया यार। अरे वही जिसमें वो लड़का बालू नहीं बन जाता है। देख, कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना हर बार ये एक ही ख्वाब। क्या शक्लें बनाती है लैला। नॉट डन जाना, रोज लेट कर देते हो। अरे वक्त भी तो कोई चीज होती है। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम बाबा। अलार्म क्यों नहीं लगाती है? सिगरेट क्यों नहीं छोड़ते हो? अरे अरे, अपने बाप से कोई ऐसे बात करता है? बाय मासूम, बहुत ज्यादा पैम्पर कर दिया है तुमने इसे। अस्सलाम वालेकुम। ऊपर से खामोश लेकिन अंदर एक मुस्कान लिए, ऊपर से खामोश लेकिन अंदर एक मुस्कान लिए। कहां से आई कहां चली है हुस्न की भरी दुकान लिए। शहर के लड़के, शहर के लड़के इसके पीछे टूट गए बादाम से। गई काम से ये लड़की तो गई काम से, गई काम से ये लड़की तो गई काम से, गई काम से ये लड़की तो गई काम से, गई काम से ये लड़की तो गई काम से। सुनती है ये ख्वाब रेशमी बुनती है ये, और ख्यालों में शहजादा रोज नया एक चुनती है ये। गीत इश्किया सुनती है ये ख्वाब रेशमी बुनती है ये, और ख्यालों में शहजादा रोज नया एक चुनती है ये।
गोभी के पिछले, गोभी के पिछले पन्ने पे लिखती रहती नाम से। Let's talk in English. गई काम से ये लड़की तो गई काम से, गई काम से ये लड़की तो गई काम से, गई काम से, गई काम से। By God, एक दिन तेरी शक्ल ना चूस जाएगा ये फोन। Most irritating habit. देख शमा, कुछ बोल रही है तुझे। क्या? ये क्या हो ही रहती है आजकल? आज तो सख होना अलाउड है। क्यों? इनको नहीं बोलेगी? हले, ये आप दिखाकर तो तूने गलती कर दी। अब तो बताना ही पड़ेगा। बोल बोल। बोल ना। जसमीत, कल लिप किस कर दी इसने। मेरी कसम, मजाक कर रही है। कैसे और कहाँ? बताना। ड्राइव पे गए थे फोर शोर पर ही। शमा तो जो पता है ना, शादी से पहले ये सब करना इतना बड़ा गुनाह है। गुनाह क्या, ट्रू है हमारा। मैंने चश्मे में उसका चेहरा भी देखा है। चश्मे में चेहरा? अभी पानी वाला चश्मा यार। स्प्रिंग स्प्रिंग। कंटिन्यू कंटिन्यू। चांदनी रात को गई थी मैं अकेले मिन्नत मांग के। बड़ी जादुई पावर्स होती है चश्मे में। सच्चे दिल से जो भी मांगो ना मिल जाता है। तू रात को गई अकेले? हाँ तो मोहब्बत में कुर्बानियां देनी पड़ती है। बड़ी हंसी आ रही है, खुद करके भी देख कभी। तेरे घर के ऊपर साइड में तो है हिम्मत? नहीं यार, मान गई मैं तुझे, पर अब जरा उसका भी बता ना, तेरी दूसरी वाली कुर्बानी जितने गाड़ी में दी। नहीं मतलब फेल कैसा हुआ? फोकस। फेल वेल तो कुछ नहीं हुआ, दिमाग सुन हो गया था मेरा। पर अब जो याद करती हूँ तो सीने में खंजर उतरते हैं भाई का। चांदनी रात को गई थी मैं। बड़ी जादुई पावर्स होती है चश्मे में। सच्चे दिल से जो भी मांगो ना मिल जाता है। अंबु, अंबु, उठो, 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 उठो। त्राट पड़ गई, मेरे टॉप्स गिर गए। शाम को पीछे लॉन में बैठे थे ना, पक्का वहीं गिरे। चल आजा देख कर आते। ए, अंबु, ओए, यार इतनी सेल्फिश मत बन। चलना, भाई नहीं है क्या? मुझे पता है तू थोड़ी ना मुझे अकेले जाने देगी आधी रात को। बलाए लागे। चल 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 चल। अच्छा उठ 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 उठ। अरे वहां कहाँ गए थे शाम को? तू आ ना। लला उस साइड से तो फेंस है। तू जा कहाँ? तू चश्मे भी जा रही है? लला
कमीनेपन की सारी लिमिट्स क्रॉस कर लिए तूने। देख अम्बू, मुझे पता है तू नहीं मानेगी, पर आज बहुत जरूरी है यार। बहुत से इशारे हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी तुझे, पर मेरे इंस्टिंक्ट चलती है वापस से मैं जाऊं। तो पक्का नहीं आ रही है? नहीं। ओके बाय टाटा लेटर एलिगेटर। हेलो लवर, छोड़ के कहां जा रही है? कब्रिस्तान है ये। नैला मेरे इंस्टिंक्ट्स ना। आहिस्ता बात कर, सुन लिया ना तो जा जाएंगे। हाँ, बकवास बंद कर। सुन 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 सुन, कोई आवाज आ रही है? हाँ, तेरे धड़कते दिल की टक टक करने लगा जियारा डर। अरे पागल है क्या? पक्का रेप कर जाएगी। अरे बोल। देख लिया तुमने? चुप कर, कोई आ रहा है। मैं तो कब से हो तैयार है राजी रिश्तेदार। पूरे है सोना सिंगार है तेरा इंतजार। चोट तो नहीं आई? आप ठीक हो? ठीक तो, पर था कौन? लड़की थी क्या? की जमीन को ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर करके उसे हमसे छीन लिया गया ताकि उसे ये गुलाम सरवर जैसे कारोबारी को बेचकर उस पर ये होटल बनाए जाए। इसमें मौजूदा सरकार मिली हुई है। सर, सर सेम सब लाइन पे हैं। इनायत, ये क्या हो रहा है? अल्लाह की कसम, उस गुलाम सरवर को सबक सिखा के रहूंगा। समझता क्या है अपने आप को? बाबा की जमीन पर कब्जा करेगा, हमारी फैमिली की जमीन पर। तो क्या लाठियां खा के सबक सिखाओगे उसे? बेवकूफ इंसान। देखिए, न नारे बुलंद करने से और न लिटिगेशन से जमीन वापस आएगी। अपने खानदान और अपनी पोजीशन की अहमियत को समझिए आप मसूद साहब। आपका पूरे निषाद में एक रुतबा है, एक नाम है माशाल्लाह। हमारी पार्टी चाहती है कि आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़े। अब सिर्फ एक साल रह गया है, अगली हुकूमत इंशाल्लाह हम ही बनाएंगे और फिर देखिए हम क्या हल करते हैं उस गुलाम सरवर का। माफ कीजिए बुखारी साहब, इलेक्शन पॉलिटिक्स ये सब मेरे बस का नहीं है। आपको तो सिर्फ लीड करना है, बाकी सब कुछ तो आपका जावेद संभालेगा। ऑफकोर्स ऑफकोर्स। आखिर बेटे जैसा है आपका? हाँ बेशक, अब जैसा क्या, बेटा ही हूं मैं बाबा का। बस अब सब कुछ यही करेगा, सर्वर जेल भी जाएगा और जमीन भी वापस आएगी। और तू भी कुछ कम नहीं है, तो मैंने क्या चाय के सिर्फ आपकी बातों में इतना मसरूफ हो गया, इतनी दमदार बातें करते हैं ना आप तो। जवान हो गई है माशाल्लाह। इनकी बेटी कोई
आइडिया है अगर रिश्ता विश्ता देख रहे हो? नहीं नहीं जनाब, मसूद तो मानने से रहा, बड़ा जिद्दी आदमी है यार, पर इस फैमिली में कोई यंग डायनेमिक लड़का होता तुम्हारी तरह तो फिर उसको परस्यू किया जा सकता था। हमारी पार्टी तो उसे मजमे में सजा के टिकट दे देती। खैर देखते हैं कौन बनेगा इस घर का दामाद। फिल्मी है, बाप भी गब्बर से कम नहीं है। सोच लो ठाकुर, शामीरी की बेटी है, घर पे पता चला तो पापा जी गर्दन उतारेंगे हमारी। यानी कि बगावत, खून की नदियां। तब तो हंगामा होगा जैद मियां, क्योंकि ये तीर तो दिल के पार है। रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है इसकी, बस लड़कों को टहलाती रहती। हेल्थ कॉन्शियस, लूज कैरेक्टर भाईजान, फ्लर्ट है एक नंबर की। अभी फ्लर्ट साथ में मिलकर फ्लर्ट करेंगे। पक्का वही गाड़ी है। तेरी ये तो कैसबर्ट की गाड़ी लग रही है। कैसबर्ट? तेरे पीछे कैसबर्ट लग गया? हाय हाय हाय, मैं कौन? ये कैसबर्ट? तू कैसबर्ट को नहीं जानती? शालीमार होटल गुलाम सरवर, उसका बेटा है ये। क्यों? मशहूर पागल है शहर का, बड़ी खतरनाक रेपुटेशन है इसकी। टिपिकल रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, शराबी। क्या? स्कूल बंक करके निशात बाग में ऑटो वाले के साथ जुआ खेलता था। हाँ, रिच स्पॉइल्ड ब्रैट और ऑटो वालों के साथ जुआ खेलता। इंटरेस्टिंग। ड्रग्स में पकड़ा गया था, फिर भाग आया और वहाँ इंग्लैंड की पुलिस ढूंढ रही है उसको। सुना है शूट एंड साइड का ऑर्डर है उसके खिलाफ। ये सब तुझे किसने बताया? अर्षा दिलबर। बुलाऊं? तुझे ही लगता है थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हाँ, तो फिर मेलनसन वाली हुस्न जवाज का भी कुछ ज्यादा ही हुआ होगा, जिसने दुबई में जाके सुसाइड कर लिया। कैस भट्ट ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया था। तुझे ये सब कैसे पता? हमारी मम्मी किटी फ्रेंड्स है, उसने मुझ पे भी काफी ट्राई किया था लेकिन मैंने घास भी नहीं डाला। वैसे तो कैस भट्ट की माँ को मेरे 20 साल हो गए, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी इसकी मम्मी को अपने बेटे के बारे में ये सारी गॉसिप देती है। अर्षा दिलबर, हर चीज को जोक में मत लिया कर लैला। यार अब तू ना हर चीज में रोने मत बैठा कर। सुना, जिसे देखो लगा है डराने में, और क्या कर लेगा वो? हाँ, जबरदस्ती करेगा। इग्नोर करूंगी, एक दिन खुद ही बोर हो जाएगा। और वैसे भी अगर लड़की बस टाइप का है तो कब तक एक ही लड़की के पास? की तरफ से मैं हूँ हाया, सुनते रहिए रिक्वेस्ट आवर। पत्ता चैना रोका जैसे हवाओं में, ऐसे भटकता हूँ दिन रात, दिखता हूँ मैं तेरी राहों में। मेरे गुनाहों में, मेरे सवाबों में शामिल तू, भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू। कैसे बताऊं वो बातें मैं लैला, रखी है दिल में छुपा के जो लैला, कैसे बताऊं लैला। मजनू कहना हो जाऊं मैं लैला, झूमू मैं ना झूमे गाऊं मैं लैला, रंग में तेरे मलंग फिरूं मैं लैला, ओ मेरी लैला लैला। क्या करूं आज तो तेरी बड़ी पूछताछ चल रही है लैला, बड़े कॉल जा रहे हैं। टच कह रहा शोखिया निगाहों में
आ मेरे दिल की तू दरगाहों में मिल गले हकीकत में शहर के रास्तों चौराहों में शहर खाली ये सारा किसी दिन तो हो सारे झंझट मुसीबत हवस बिन तो हो आज कल मैं कैसे बताऊं वो बातें मैं लैला रखी है दिल में छुपा के जो लैला कैसे बताऊं लैला मजनू कहीं ना हो जाऊं मैं लैला झूमू मैं ना झूमे गाऊं मैं लैला रंग में तेरे मलंग फिरूं मैं लैला ओ मेरी लैला लैला क्या करूं मैं लैला झूमू मैं ना झूमे गाऊं मैं लैला ओ मेरी लैला लैला क्या करूं हाँ जी हो गया कितना हुआ ऑफर है बिल्कुल फ्री बंद कर गाना जी बंद कर क्या हो गया लैला हाँ क्या हो गया सिस्टर पुलिस को बुला के पूछो क्या हो गया क्या क्या सुने क्या किया मैंने मुझे सिस्टर सिस्टर भाईजान मेरी दुकान को आग लगा देगा सिस्टर तो फिर वापस ले रिचार्ज नहीं चाहिए रिचार्ज वापस कैसे ले सकता हूँ वापस रिचार्ज तू मोबाइल वाला ना तू बता रुक तू तेरे भाईजान ही बताएगा कैसे करते हैं लैला रुक तू साले अभी आ रही हूँ पागल हो गई है क्या हट जा अमरीन वरना बहुत बुरा हो जाएगा बाहर निकल अरे आजा आजा आज तो हो ही जाए एक मिनट वो सॉफ्टी खाने लगा था मैं अस्सलाम वालेकुम बताइए तुम बताओ क्या 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 बात है तुमको हा क्या बात है मुझको हंगामा कर रहे हो खबरें ले रहे हो मेरी हा? और ये क्या हर जगह भूत बन के मुझे फॉलो करते रहते हो क्या चाहते क्या हो ये टॉर्च वापस करना चाह रहा था आपको नंबर नहीं था इसलिए फॉलो करना पड़ा ये पीछे वाला तो मेरे पीछे पड़ गया था कह रहा था भाईजान नंबर ले लो कल गाड़ी तक आ गया था मेरे तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है नंबर तो मैं तभी लूंगा जब वो खुद मुझे देगी हो गया चले सुन सब जानती हो तेरे बारे में सुना तू ज्यादा स्मार्ट मत बन बहुत मेहनत करता हूँ स्मार्ट बनने के लिए शक्ल अच्छी नहीं है ना जिम जाता हूँ कपड़े जूते स्टेबल मेंटेन करके रखी है तुझे पसंद नहीं तो छोड़ दूंगा कसम से तेरे लिए सब देख रहे चल आज की बात मेरा पीछा मत करना सुना मैंने सुना तुझे अच्छा लगता है अरे क्या गेट लॉस्ट दादी टॉर्च तो लेती जा हर हाथ में रख ले पता है अंबू उसको देख के मुझे ऐसा लगा ना कि मैं उसे पहले से जानती हूँ जैसे कि कोई बचपन का मुझे तो तू ना माफी दे दे ठीक है और कल के शादी के कपड़े आज देखेगी या फिर लास्ट मिनट मोस्ट इरिटेटिंग हैबिट मेरे बारे में ही सोच रही है गेट लॉस बड़ी बोलने के बाद भी नादान है बेचारी उसको क्या पता पर मुझे पता है कि अब तो नंबर मिलने से रहा इसलिए मुझसे ले लो और कॉल कर लो यार फाकते उड़ाते तेरे को अभी जरा तो रोमांस रख तो अब क्या करोगे वही जो चाहती है नहीं जाऊंगा उसके पीछे रियली पर उससे पहले पेड़ चढ़ूंगा मैंने प्यार किया कि फैन है ना
नहीं आता तू ही ढूंढ मुझे। देख भाई स्वागत है, एक बार ये आजानी शुरू हो गई ना तो सब बेकार पड़ जाएगा। देख कैसे हर कुत्ते का दिन आता है, फिर मैं भी टॉक में रहूंगा इंशाल्लाह, जल्दी मौका दूंगा। अरे भाई आप उसको समझाए प्लीज, आप समझाओ प्यार का अंबर दे बस आँखों पे मेरी हो तमाम, सुबह सुबह ये बात हो नजर मिले जरा जरा नजर में रहो
खबर किसी को न हो, आंखें बोले ओ लब पे खामोशी, आंखें बोले हो लब पे खामोशी, आंखें बोले हो लब पे खामोशी, आंखें बोले हो लब पे खामोशी। चाय जाए, वेरी नाइस व्हाइट फॉरेस्ट पेस्ट्री। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो क्या? हाँ, पर 10 बजे खुल जाता है। अब जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ओवर हो गया हो तो हमें घर पे बात करनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ, देख शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं, दो फैमिलीज में होती है। वैसे भी अल्टीमेटली अगर होना ही है तो डिले करने का फायदा नहीं है। सुन, मैंने तुझे फ्लर्ट करने के लिए अपना नंबर नहीं दिया, सुना? फिर क्यों दिया? जस्ट जानना चाहती थी हमेशा से कि पागल लोग होते कैसे। बड़े क्रेजी फूल ले रहा हूँ तेरे लिए, अब तो मिल ले। मुरझा जाएंगे बेचारे मासूम तेरे बिना। तुझे पता है ना हमारी फैमिलीज का? हाँ, पर हमारी फैमिलीज को तो नहीं पता ना हमारा। अरे एक बार शादी तो होने दे, मोम की तरफ पिघला दूंगा। देख तू लड़की है, नखरे करेगी, अलाउड है। मैं सहूंगा ना लड़का जो, और फिर एक दिन अल्टीमेटली तू मान जाएगी। चल चल, इतना आसान नहीं है, काफी कुछ सुना है तेरे बारे में। शराब पीते हो? अरे बहुत पी, अब छोड़ दे। ड्रग्स लेते हो? अरे बे इंता, पर अब पेन किलर्स पे गुजारा है। और वो मेलनसन वाली हुस्ना जवाज जिसने दुबई जाकर सुसाइड कर लिया था? ओ हाँ, बड़ी नेक लड़की थी बेचारी, शॉपिंग का बड़ा क्रेज था उसको। वैसे तो वो यहीं सुसाइड करने वाली थी, पर जैसे उसे पता चला कि दुबई में मेगा सेल लगी है, अपने आप को रोक न पाई बेचारी। होपफुली जाते जाते उसे कुछ अच्छे डील्स मिल गए और वो जहां कहीं भी हो खुश हो। पागल कहीं का। अब जो तू कन्विंस हो गई है कि मैं नेक और शरीफ इंसान हूं, हमें मिलना चाहिए। अच्छा जी, और क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि लाला हम लाख छुपाए प्यार, मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। तू कन्विंस हो गई या और कुछ ट्राई करूं? नहीं, ये तो ठीक नहीं कर रही है, मुसीबत में आ जाएगी, मैं बता रही हूँ। यार अम्बू चिल कर, शादी थोड़ी ना कर लूंगी, सीरियस वीरियस नहीं होने वाली मैं। अरे ये तो और बेकार की बात है ना, अगर पहले से पता है कि सीरियस नहीं होने वाली तो फायदा क्या है? एक्सपीरियंस माय डियर अम्बू, एक्सपीरियंस। अब देख तू कॉलेज जाती है, मजा आता है, तो क्या जिंदगी भर जाती रहेगी? नहीं ना, हर चीज का अपना एक टाइम होता है यार। अब कल को किसी और से मेरी शादी करा देंगे और मैं कर भी लूंगी, पर ये जो आज है ना, बस इतना ही है मेरे पास, तो करने देने यार। Awkwardness, nervousness, shyness, मुझे हो रही है, होता है, फिर ठीक भी हो जाता है। Much better.
पसंद आया तो रख ले। मेरे पास भी ऐसा कुछ था शायद बचपन में। कहीं तेरा ही तो नहीं है? क्योंकि मैंने तो चुराया है। वो बचपन में एक लड़की थी, उसके सब कुछ अभी बोल देगा, बात कर ले भी कुछ बचाएगा। ये भी सही है, वैसे हड़बड़ी भी किस बात की है? शादी के बाद तो टाइम ही टाइम है। क्या कुछ नहीं? व्यू अच्छा है। हम सबको देख सकते हैं पर हमें कोई नहीं देख सकता। कितना अच्छा बजा रहा है। अरे चाय। अक्सर आते हो? वो पहाड़ मुझे बहुत फैसिनेट करता है। बस आता हूं, सोचता रहता हूं कि क्या होगा उसके उस पार। एक दिन ट्राई भी किया था मैंने, वो उस पॉइंट तक पहुंचा था फिर गाड़ी पलटने लग गई। पर छोड़ूंगा नहीं मैं, एक दिन निकल जाऊंगा, देख लूंगा क्या है उस पार। सही कहते हैं लोग, पागल है तू। लोग कहते हैं तो सही कहते हैं। चलो बातों में बातें घोलें, आओ थोड़ा सा खुद को खोलें, जो ना थे हम जो होंगे नहीं
आजा दोनों बोले तेरी बातें सोचती हूँ मैं तेरी सोचें ओढ़ती हूँ मैं मुझे खुद अच्छा चल अब जा क्या कुछ नहीं अरे लैला सुनो तूने सेक्स कर लिया है वो ईशा दिलबर सबको बता रही है किसने तुझे देखा गाड़ी में फोशो रोड पे प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ जा रही हूँ दुबई सुसाइड करने चलेगी हमें बहुत केयरफुल रहना होगा छोटा सा शहर है हर कोई को जानता है और टाइम तो माशाल्लाह बहुत है लोगों के पास एग्जैक्टली बोला क्या उसने छोड़ना तुझे क्या है बस बातें हो रही है तरह तरह की जलील बातें वैसे कुछ हो तो नहीं रहा ना एक्चुअल में वही तो प्रॉब्लम है कुछ होता तो है नहीं फ्री में बदनाम हो रही हूँ पकौड़े खाएगी हा? चल खाई लेते हैं पागल है क्या तू तेरे बन के व्हाइट स्कॉर्पियो है क्या हाँ क्यों पीछे लगाया हमारे मतलब उसे देखा तो नहीं ना ऑफ कोर्स देखा होगा वरना पीछे क्यों करता तो तू इतना कैजुअल क्या निकाल लो मर गई मैं क्या होगा मेरा तेरा तो ठीक है पर अब इस बेचारे का क्या होगा चलो ना दीदी सब बोलता हूँ आप चलो 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 बात अपने खाओ की बाजी साले कब से देख रहा तुझे तू फॉलो कर रहा मुझे कौन है कौन है तू छोड़ा बदमाश मेरी हिम्मत कैसे हुई क्या करा ए कैमरा दूर कर ले रे थाप यार लगा भाई साहब ये जावेद परे यूएलके का यूथ प्रेसिडेंट अबे प्रेसिडेंट है तो क्या पीछे करेगा इसकी हिम्मत कैसे हुई हिम्मत क्या बदतमीजी है उसने साले छेड़ता है मुझे क्या कर रही है देखो साले मेरी बैंक को छेड़ता है मैंने नहीं मेरी बैंक को छेड़ता है हमारी घर की बच्ची थी वो भाई साहब जवानी खत्म होगी बुढ़ापा नहीं बचेगा तेरा छोड़िए अब छोड़िए मुझे एक शरीफ लड़का है धोखा होगा गलतफहमी होगी माफ कीजिए सिस्टर और कोई भी होता गुलाम सरवार का बेटा अरे अस्सलाम वालेकुम डियर
आ गए आप लोग कॉलेज से? अंदर आ। सलाम वालेकुम तुफू। तू दल गई थी? दल? आप भी ना बाबा, मैं बस ऐसे ही फन में इनको बता रहा था कि मैं डाल गया था ना, तो डाल साइड में मुझे एक लड़की दिखी जो एक सेकंड के लिए मुझे हमारी लैला जान जैसी थी कि मैं बिल्कुल ऐसा बता दिया तो सारे मेरा ही एनकाउंटर करने लगे। गुलाम सरवर के बेटे को कैसे जानती है तू? गुलाम सरवर, वो होटल वाला, कौन है उसका बेटा? तू ज्यादा बन मत, पूरा शहर बात कर रहा है। क्या बोल रहे हो आप लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है अम्बू? तो तेरा उस लड़के के साथ कुछ नहीं है? नहीं बाबा, कसम से। कसम खानी है तो मेरे सर की खाओ। बाबा आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? बहुत कुछ सुनना पड़ा है मुझे, अब मैं तेरे मुझसे सुनना चाहता हूँ सच क्या है। बाबा प्लीज बाबा। इसका मतलब तो झूठ बोल रही है? नहीं। तो कहा मेरी कसम? आपकी कसम बाबा, आपकी कसम। ठीक है, मुझे तसल्ली है कि तेरा उसके साथ कुछ नहीं, क्योंकि उन चोरों के साथ ऐसा कुछ होने की गुंजाइश भी नहीं है, है ना? बोलती गई मैं, बुरा फंसेगी। अब हो गया ना? मैं ब्रेकअप कर लूंगी। तो फोन उठा के बोल दे उसको। नहीं ऐसे नहीं, मिलके इतना तो डिजर्व करते हैं ना। पागल हो गई है? और कहां मिल गई? हाँ आंखें गाड़ के बैठे हैं सब। पहले दिन से बोल रहा हूँ घर पे बात कर लेते हैं। बस हो गया, ठीक है अब खत्म। देख मैं समझ रहा हूँ, चीजें भी फ्रेश हैं तेरे दिमाग में, थोड़ा टाइम दे सब ठीक। मैंने अपने बाबा के सर की झूठी कसम खाई है, कैसे कुछ समझ में आ रहा है तुझे? कुछ ठीक नहीं होने, बस ब्रेकअप होने। ठीक है फिर ब्रेकअप करते हैं, इतना सिंपल है तो करते हैं ना। कैसे करते हैं, मतलब होता क्या है ये ब्रेकअप? मतलब तुम यहां से उठकर जाना चाहोगी या चाहोगी कि मैं चला जाऊं? मैं नहीं चला जाता। तेरे लिए सब मजाक है। चले तुझे याद है मैंने एक चिट लिखकर भेजी थी तुझे, वो जब मैं नहीं आता तू ही ढूंढ लियो मुझे, उस दिन ना मैं सच में निकल गया था। तुझे अपनी किस्मत अपने खुदा के हवाले करके, और अगले दिन तुम मुझे फिर मिलेंगे शादी पे। तुझे क्या लगता है ये हम कर रहे हैं? हमारी कहानी लिखी हुई है, और इन दुनिया क्या, दुनिया के लोग क्या, हम खुद भी उसे नहीं बदल सकते, समझे? अब तूने बहुत टेंशन ले ली, अब मेरी बारी, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। पापा नहीं मानेंगे। अरे पैर पकड़ लूंगा उनके, छोड़ूंगा ही नहीं जब तक मानेंगे नहीं। और फिर भी नहीं माने तो निकल पड़ेंगे अपनी अपने पहाड़ के पीछे वाली दुनिया में, वहां नदी किनारे एक छोटा सा घर बनाएंगे,
मैं लकड़ियां काट के लाऊंगा, तो खाना बनाएगी, सुकून से रहेंगे भाई बहन की तरह। क्या? कुछ नहीं। मैं पापा से बात करूंगा और सुबह होते ही तेरे बाबा के पास भेजूंगा। जैसे हो जाए, हम बस एक ही रात का इंतजार है। सर आप यकीन नहीं करोगे पर आप ही के बारे में बात हो रही थी। क्या क्या बात क्या कर रहा है? आपसे नहीं, उनसे बात कर रहा हूं। पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे। मैं जानता हूं ये आधी रात है, जंगल है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। ए, मुंह संभाल के बात कर। अरे बोला ना आपसे बात नहीं कर रहा, उनसे कर रहा हूं। सर मेरी बात तो सुनो एक बार। कहां जा? अरे हटना सामने से। सर क्या इवन? क्या क्या लड़ेगा मुझसे? इवन बाहर फेंको इसको यहां से। बाजी बात कीजिए, है मेरी कसम। आधी रात को जंगल में और ऐसे तो जानवर मिलते हैं। मतलब हमारी लाला जान ने कुछ ऐसा वैसा थोड़ी किया होगा, पर जो रेपुटेशन उस लड़के की है ना इस शहर में, कौन यकीन करेगा हमारा? बाप के टुकड़ों पर पलता है, अयाशी के अलावा और कोई काम नहीं जानता। और अब तू शादी करेगा और उन कमीनों के घर के अलावा इस पूरे शहर में और कोई घर नहीं मिला तुझे। पापा आप मारते तो हो नहीं, बस डराते रहते हो, तो चलो मैं डर गया। अब ठीक है, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। मैं रिस्पॉन्सिबल बन जाऊंगा, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं नेक इंसान बनकर दिखाऊंगा। बस मेरी ये बात मान लो प्लीज, भलाई लगे। तू चाहता क्या है कि मैं उस दो कौड़ी के इंसान जो मेरी जिंदगी हराम करने पर तुला हुआ है उसके सामने जाकर मैं अपना सर झुकाऊं? मसूद साहब है, मसूद साहब। गुलाम सरवर बट हमारे गरीब खाने में। मसूद साहब कैसे हैं आप? मेरी फिक्र छोड़िए, आप बताइए कैसा आना हुआ? यहां दरवाजे पे ही खड़ा रखेंगे? छोटा आदमी हो साहब, डरता हूं कि मेरी जमीन की तरह आपकी नजर मेरे घर पे भी ना पड़ जाए। मसूद साहब मुद्दत से आपको यही समझाने की कोशिश करता आ रहा हूं कि वो जमीन मैंने गवर्नमेंट से खरीदी थी, ये आपके और गवर्नमेंट के बीच का मसला है, मैं एक बिजनेसमैन क्या कर सकता हूं? तो यहां कौन सी डील करने आए हैं आप? माशाल्लाह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, यूं ही तो नहीं आए होंगे? जी नहीं, मैं मोहब्बत के लिए आया हूं। हां? बीती बातों पर मिट्टी डालने आया हूं और अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने। कौन? वो शहर का नाम ही पागल। माफ कीजिएगा साहब, बाप हूं दुश्मन नहीं, जो आप जैसे चोरों के घर में अपनी बेटी दे दूं। ये क्या बदतमीजी है? नहीं नहीं नहीं,
आपसे बड़ा हूं, इसलिए आपकी एक गलती माफ करता हूं। लेकिन मेरा आपको यह मशवरा है कि जो इज्जत मैं आपको दे रहा हूं ना, उसे हजम करना सीखो। अब अकेले में बात हो सकती है? बड़े बेशर्म हो यार, अभी तक यहीं खड़े हो, जूते खाकर जाना है क्या? ज़बान संभाल के बात कीजिए मसूद अहमद। नहीं नहीं रसूल, नहीं, गलती हमारी है। केस को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये लोग और इनकी बेटी इज्जत देने की नहीं, इज्जत लेने के लायक है। अच्छा तो यही होता अगर वो अय्याशी करके सड़क के किनारे फेंक आया होता उस लड़की को। अभी के अभी यहां से निकल जा तू। एक वादा अपने बेटे से करके आया था, अब एक तुझसे कर रहा हूं। जैसे तू कहता था ना कि मैंने तेरी जमीन ले ली, वैसे ही अब मैं तेरी बेटी को ले जाऊंगा और तू बेबस होने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। पाएगा तू? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी लाला जान के बारे में बकवास करने की? अगर किसी ने लाला की तरफ आंख उठा के देखा ना, उसकी आंखें निकाल के रख दूंगा मैं। क्या अरे इतना क्या सोच रहे हो? चार लोगों को बुलवा कर निकाह पढ़वा दो, बाकी दावतें होती रहेंगी। उसने कहा है वो सब ठीक कर देगा। मुझे पता है ना कि उसका बाप क्या बोल के गया है, पर उसने तो नहीं कहा ना, वो वैसा नहीं है। बेवकूफ है तू, देवबंद से सबको पता है किस कैरेक्टर की है वो, कोई किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकता। क्यों इतनी बड़ी सजा दे रही हो? मेरी जान, बाबा तेरे भले के लिए सोच रहे हैं। मैं अपना भला खुद ही सोच लूंगी, ठीक है? I'm sure लड़की करेक्ट है, पर उसकी फैमिली कुछ अलग तरीके की है यार। मेरी जान, आपको पता है शादी में कितना मजा आता है? खूब सारे जेवर मिलते हैं, खूब सारे कपड़े बनते हैं, मेहमान आते हैं। खुद की शादी तुड़वा के बैठी हो और मेरी कराना चाहती हो? क्या बोला? हाँ पहना दो जेवर, बल्कि काम करते हैं ना, वो मेहंदी भी लगवा लेती हूँ, पर कोई शादी वादी नहीं होने वाली है, सुना? कोई चांस ही नहीं है। नहीं। प्लीज पापा, प्लीज मेरी शादी मत कराओ। मैं मानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है पापा, पर प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। सब कहते रहे कि मैं तुझे बिगाड़ रहा हूँ, और आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो सही थे और मैं गलत। अब सिर्फ वो होगा जो सही है। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है? हंगामा कर दूंगी सबके सामने, भाग जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, पर ये शादी नहीं करूंगी। ठीक है जी, जो तुझे करना है वो तो कर, फिर मैं भी वही करूंगा जो मुझे करना पड़ेगा इस जिल्लत से बचने के लिए, चाहे जहरी क्यों ना खाना पड़े, और मैं खाऊंगा, वादा करता हूं तुझे। दरवाजा खुला रखो। हमें जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। पापा जी ने बोला ना थोड़ा वक्त देने के लिए, देखते हैं। क्या हुआ? सुध साहब से बात करनी है। अलाउड नहीं है, बाहर निकलो। क्या ताकि गोली मारो? मसूद साहब बाहर निकलो, मसूद साहब बाहर निकलो, बात करनी है मुझे। फायर ओपन कर दूंगा मैं, बात करके जाऊंगा। हर्षवर्धन
मसूद साहब ये क्या गजब कर रहे हैं आप और क्यों हट ऐसी क्या बात हो गई हराम खोरा तेरी हिम्मत कैसे हुई तमाशा नहीं देखिए मुझसे या मेरे पापा से कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूं पर अपने गुस्से या किसी ईगो के चक्कर में अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करें प्लीज तू होता कौन है तेरे हाथ में गन है ना चला उस पर ये गलत हो जाएगा कोई फायदा नहीं होगा इसका मेरा और लैला का जो रिश्ता है जबान काट दूंगा अगर उसका नाम लिया तो हमारे बस के भी बाहर है आप समझोगे नहीं और मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा आपसे गुजारिश करता हूं एक बार सोचिए उसके बारे में वो आपकी बेटी है अच्छा सोच लिया अब दफा हो जा तू दुश्मनों से अपनी बेटी के दिमाग खराब हो गया तुम्हारा मेरा बाप सही बोलता है बात करने के लायक नहीं हो तुम लला क्या बोला तू बाहर निकलो क्या बोला क्या तू उनसे तमाशा नहीं तू बहुत ही छोटा आदमी है मसूद शाह मेरी इससे गलती हो गई जो मैंने अपने बाप को तेरे पास भेजा ये मैं खुद आज तुझसे बात कर रही बहुत हो गई बातें अब मैं करने पे आता हूं तुझे जो करना है कर ले जा लला चल टाइम हो गया लला पहाड़ों के पास जाने का टाइम हो गया आ जा लला जान आप अंदर जाओ लला ये लोग पागल हो गए इन्हें लगता है ये मैं खत्म कर देंगे बाजी बाजी इसे अंदर ले जाओ ना प्लीज आ जा लला आज बटर मैं हूं यहां लला दिखता कौन क्या कहता आ जा तू मेरी बीवी से बात करता है साले मेरी बीवी से लला तू तो मेरे बाबा के पैर पकड़ने वाला था कैस सब ठीक करने वाला था ना तू मेरी बात सुन लला सब सही कहते थे एक मैं ही गलत थी आखिर निकले ना तू अपने बाप का ही बेटा बकवास बंद करो नीचे आ लला अल्लाह का शुक्र है कि तेरी असलियत सामने आ गई तू पागल है कैस भट झूठा है तू कुछ नहीं है पहाड़ों के पार झूठ है तेरी दुनिया और अब उसका ऐसा नहीं बनने वाली मैं ही शादी करूंगी लला अपनी मर्जी से करूंगी और तू यहां से जाएगा अभी मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ तू नीचे आती है नहीं आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखाना दफन हो जा गेट लॉस्ट ठीक है लला चल एक बार फिर छोड़ा तुझे जहां अब नहीं आता अब तू ही ढूंढ मुझे बात हुई लंदन क्या कहा उसने आ रहा है वो बड़ा बदकिस्मत इंसान है सबर साहब जिस बेटे के लिए सब कुछ खो दिया आज उसी बेटे को खो दिया सरकार बदलते ही सरवर साहब की हैरेसमेंट शुरू हो गई है यह जानते हुए कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है उन्हें परेशान करते हैं अरेस्ट करते हैं पर हम बस इतना ही कहेंगे
कि हमें साफ मालूम है कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। जब एक नामुमकिन दौर से गुजर रही है, उम्मीद यही है कि गुलाम सरवर भट्ट की हेल्थ की रिकवरी कानून से तेज हो। पापा की और तोहफी नहीं होने दूंगा। शाम होते जा रही है, कब तक इंतजार करेंगे हम उसका? नहीं आने वाला है वो, कुछ नहीं पड़ी उसे हमारी। करो फोल्ड इसे। भाईजान, भाईजान, गिराना चाहते क्यों मुझे? तू ठीक है? एक माइंड मत कर, सदमे में है तेरी बहन, टूट चुकी है पूरी तरह से। और आज ये भी जानता हूं कि तू भी स्ट्रेस में होगा। कोई स्ट्रेस नहीं है मुझे, वो तो तू कही गई। खैर अब बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी जनाजे का वक्त हो गया है। और वापस आने के बाद? मैं वापस नहीं आने वाला। क्या? मैं कब्रिस्तान से चला जाऊंगा। कहाँ चला जाएगा? देखता हूँ, दिल्ली, वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लंदन। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या केस? तेरा ऐसा मत कर यार, लोग क्या कहेंगे कि पापा अभी नीचे पड़े हो? पापा नीचे नहीं है जरूर भाई, वहां उनकी बॉडी है, कब का जा चुके हैं, और इसलिए मैं भी जाना चाहता हूं। और सारी प्रॉपर्टी अकेले खा जाएगा? अपनी बहन के लिए कुछ नहीं, अकेला सिग्नेटरी है तू। अब तो खुद गर्जी छोड़ दे केस, कभी तो दूसरों के बारे में सोचा। संभाल, आप सब रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं वापस भी नहीं आऊंगा। अब जाऊं? अरे यार तू तो ज्यादा ही सीरियस हो गया भाई। वी आर फैमिली, देख लेंगे आपस में। पर पूरी प्रॉपर्टी का हमें क्या करना है? एक बार साइनिंग हो जाए उसके बाद जहां कहां जाना है। ठीक है, मेरी एक शर्त है। हाँ बोलना। आप जनाजे में शरीक नहीं होंगे, आप दोनों बाबा की शक्ल तक नहीं देखेंगे, इनफैक्ट इस सीढ़ी के नीचे तक नहीं उतरेंगे आप। पर कैस? नीचे सब लोग क्या कहेंगे या प्रॉपर्टी क्या कहेगी, अब दोनों डिसाइड कर लें कि किसकी सुननी है। गुड चॉइस बाजी। नियर पर
लिए था ना आपको। ओके क्या हो रहा पेपर्स का? कह रहे हैं 2-3 दिन और। टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत बिजी हूं मैं, वापस जाना है मुझे। कैस तू ठीक है? हाँ क्यों नहीं होना चाहिए, बैठ के ड्रामा करो तुम लोगों की तरह, सबको मरना है एक दिन, तू भी मरेगा। बेकार की बात है, बड़ा प्रैक्टिकल हो गया तू। चल फिर प्रैक्टिकल बात करते हैं। क्या है ना, 4 दिन से यहां ना किसी ने खाया है ना कोई सोया है। किसके लिए? किसी और के बाप के लिए, क्योंकि बेटा तो उसका यहां है ही नहीं ना, वो लंदन में कहीं अयाशिया कर रहा है और अब लास्ट मिनट में आएगा और हमें लेक्चर जाड़ेगा। चल उठ, अड्डा वड्डा मारते हैं, चल उठ ना। बता कुछ। क्या बता? ये कैसे हुआ? ये वो अबे इस तरह। हाँ गिर गया था ये। नहीं नहीं वो तो ये शायद अच्छा और चलेगा क्या? सभी लेंगे ना, मैं लेके आता हूँ। छोड़ना पुरानी बातें, चल नए से स्टार्ट करते हैं। सुना वहां बीचेस भी होते हैं जहां लड़कियां कंपनी टीमी आती है। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या अबे तू चाय लाने गया था ना? लाता हूँ ना, अभी बैठे हैं। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ? यहां से जा, यहां से जा। तू इसके साथ
अरे आप लोगों ने तो मेरे बगैर ही शुरू कर दिया। दामाद हूं इस घर का, जंगी लड़ता हूं आप लोगों के लिए। इतनी तो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना मुझे कि नहीं? पलेट लाओ। आज फिर शराब पी कर आयो? अल्लाह तो आपके सामने शराब पी के आ सकता हूं? और मिले कि नहीं? क्या पता नहीं आया हुआ है ना तेरा यार? इब्बन आए कान फटता मेरा। अरे जोक कर रहा हूं क्या? लैला तेरे ड्रेसेस आए टेलर से, जरा देख तो। तो वो आया हुआ है, तकलीफ में होगा, मुझे उससे मिलना चाहिए। होश में आ लैला, ये क्या बोल रही है? 4 साल हो गए हैं वहां लंदन में बैठ के अय्याशी कर रहा है, फन कर अपनी लाइफ जी रहे, और तू? मैं मिलूंगी उससे। जनाब जनाब म्यूल म्यूल लेके जंगल की सबसे अच्छी बात क्या होती है? वहां ना कोई इंसान नहीं होता, मतलब मैं था वहां पे, और ना मैं नापाक था। गिल्टी फीलिंग हो रही थी वहां पे, गिल्टी फीलिंग हो रही थी। नापाक आई थिंक इट्स अ केस ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन, ही नीड्स स्पेशल केयर। मैंने ऐसा फ्लैश लंदन में भी देखे थे। भाई जान और लैला का फोन आया था, मिलना चाहती है आपसे, मिलोगे? ज्यादा नहीं हो गया? बंदर लग रहा हूं पूरा, ऐसे मुझे देखेगी तो? सुन 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 सुन, कल आते हैं, आज नहीं हो पाएगा। अच्छे लग रहे हो पोट, उतार दूं क्या? और तो नहीं हो गया? अबे बोल ना, ऐसे देखी तो हंस हंस देखी यार। आंखें बोले हो लप्पे
खामोशी आंखें बोले हो लब पे खामोशी। हाँ एक सेकेंड बात कर। अरे बोलना बात कर। कैस आ रही हूं, हम कहीं चले जाएंगे बहुत दूर। क्या हुआ? क्या कर क्या रहे हो? वो अटैची उठा दिया। अरे पर हुआ क्या? जाना लेकर आना यार। मैं बोला क्या बात है, ना दुआ ना सलाम। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मार्केट। बाग बाग तो नहीं रही हो ना मुझे छोड़ के? ऐसे ही पूछ रहा था, पता नहीं आजकल किन किन से मिलने जाती हो तुम। वरहान खंडरों में एमएलए हो, पता चल ही जाता है। नवाब साथी फलेब करेगी मुझसे? बड़ा ऊंचा खानदान है ना तुम लोगों का? आज कैसे लगाया तूने? काला छोड़ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं बाबा छोड़ो, से इससे ऐसे बात नहीं करते। आप साइड में हो, आप साइड में हो, आप साइड में हो। अब सुन मिले जावेद पर्रे, हाथ उठाए ना तूने मुझ पे, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब अगर कोर्ट में तेरे कपड़े नहीं फाड़े ना तो मेरा नाम भी लैला नहीं, पब्लिक फिगर है ना तू। तू पब्लिक फिगर है ना, पब्लिक में ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है तुझसे। ए क्या ए क्या हाँ क्या ए, है? चल इस सब से कुछ नहीं होने वाला है, अब तू जान लेनी पड़ेगी। है दा? है बोल है दा? चल शकल देख अपनी शकल, तेरे लिए अच्छा ही होना जो मैं भाग जाती, क्योंकि अब जाऊंगी तो जरूर मैं तुझे बर्बाद करने के बाद। सुना सुना सड़क का कचरा है तू, नीचे देख, नीचे यहाँ क्या देख रहा है, नीचे देख। बस कर बस, पूरे चार साल का बदला लूंगी आप लोगों की वजह से जो मैंने उसके साथ नाइंसाफी की है, उसका पूरा बदला लूंगी, चार साल का पूरा बदला। चलो बंद रखो, बस जाऊंगी मैं उसके पास छूटते। ये क्या? यही बैठेंगे हम, अब हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है किसी पहाड़ वाड़ के पीछे।
वो डिवोर्स दे रहे। कैस, वो छोड़े मुझे। अच्छा क्या हुआ, तू खुश नहीं है क्या? हुआ कुछ नहीं, जाने के लिए तैयार बैठा था ना। ऐसा नहीं आता, दुनिया है, दुनियादारी होती है, डिवोर्स है, टाइम है। और उस टाइम तक हम वो सब कुछ करेंगे जो हमें करने का मौका नहीं मिला। तू मेरे घर से मुझे पिक करेगा, हम ड्राइव पे जाएंगे, पकौड़े भी खाएंगे, और अब तो किसी फाइट स्पॉटियों का भी डर नहीं है। बेवकूफ इंसान, डाइवोर्स दे दूंगा और फिर तुम श्यामेरी की बेटी को नहीं, उस शॉर्टकट को डाइवोर्स दे रहे हो। जिस पोजीशन में तुम हो ना, वहां तक पहुंचने के लिए 15-20 साल लगते हैं लोगों को। मैं बहुत शर्मिंदा, मुझे माफ कर। कुछ दिन अपने क्वार्टर पे ही बैठो। बाबा एक और चांस, मुझ पर दरवाजा कैसे बंद कर सकते हो? क्या होता है ये घर मेरे बिना? तुम्हारी आवारा लड़की से निकाह किया मैंने, इज्जत बख्शी तुम लोगों को, मुझे कैसे निकाह सकते? तुम ऐसा करो, तुम बॉम्बे जाओ, फिल्मों में ट्राई करो। कुछ दिन अपने क्वार्टर पे ही बैठो। तुम्हारे पास अब तो जान लेनी पड़ेगी। रावत, रावत, दस मैं चला लूंगा, वेट कर। अच्छा शिकार जनाब, आप पीछे बैठे। मैंने कहा गेट खोल, गेट खोल। नसीम अब्दुल गेट खोल, गाड़ी निकल। अरे सामने से मेरे लिए कैस वर्ड कर। नहीं नहीं, सही बात है, किसी की मौत पे खुशी नहीं मनानी चाहिए, चाहे वो कितना भी कुत्ता कमीना यू नो। नहीं पर अब इसका क्या असर पड़ेगा मेरे और लैला के इक्वेशन पे? क्या असर पड़ेगा? दी एंड हो गया उसका भाईजान, फिनिश। अब ना तो कोई डिवोर्स ना कुछ। इतना सिंपल नहीं है, ये दुनिया है यहाँ। हाँ पता है, दुनिया है, दुनियादारी है, पर अब वो इस दुनिया में है ही नहीं भाईजान। हाय मेरी बच्ची लैला, ओ लैला, तेरा खाविंद अब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वो भी। तू रो ले, जोर जोर से रो ले, तू रो ले मेरी बच्ची, तू रो ले। यार तू नहीं रोना है मुझे, ठीक है? बैठी हो ना चुप करके, क्या प्रॉब्लम है?
हटो सब, चल बच्चा लाला चल। भागने की जरूरत नहीं है, कुछ गलत नहीं किया तुमने। आप मुझे रोक नहीं सकते। जानता हूं, इसलिए कोशिश भी नहीं करूंगा। एक दरख्वास्त है, मेरे गुनाहों की सजा तो अपने आप को मत दे। ये घर तेरा ही तो है, यहां रहे, कुछ ही दिन की बात है, इद्दत खत्म होती ही तू बकायदा उस लड़के से शादी कर और सर ऊंचा करके पूरे शहर में घूम। हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, न इस शहर की, न इस घर की और न आपकी नसीहत की। अब और एक सेकंड नहीं रह सकती मैं। लेकिन मुझे तो यही रहना बेटा, इसी शहर में, इन्हीं लोगों के बीच, और वो सारी बातें सुननी पड़ेंगी, वो सारी जलील बातें जो तेरे बारे में बनाएंगे। ये तो पहले सोचना था ना बाबा। रात के अंधेरे में जा रही हूं पीछे के दरवाजे से, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। ठीक है, कर चुका मैं, अपने भाई को माफी मत करना, लेकिन बेटा इतना याद रखना कि जब तक तेरा ये बाप जिंदा है, वो यही है तेरे लिए। तुझे लगता है कि वो आएगी? ऑफ कोर्स आएगी, बोला है ना उसने। तो मुझे क्यों नहीं लगता है? भाईजान ओवर थिंक कर रहे हो, रिलैक्स, अब कुछ हो ही नहीं सकता, और देखना बस आती होगी। मैं क्या करूं कैस, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं बाबा, कुछ ही दिन होते हैं तब के, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तब तक मैं क्या करूं? प्लीज हेल्प मी केस, तू जो बोलेगा मैं करूंगी। हो सकता है क्या तू वेट कर सकता है मेरा? इंतजार, लंबा इंतजार, बस थोड़ा और इंतजार, डिवोर्स का इंतजार, इद्दत का इंतजार। सामने खड़ी है फिर भी इंतजार। भाईजान, हाँ? क्या देख रहे हो? सॉफ्टी पिघल रही है। बस इंतजार, ये इंतजार पागल कर देगा मुझे। से बेटर तो मैं लंदन में ही था, डिस्टेंस था ना।
यहां से 10 मिनट दूर है इसका। कभी कभी लगता है ना जाकर कूद जाऊं उसके ऊपर। डर मत, कूदूंगा तुम्हें। यस, समझ में नहीं आता कि करूं तो क्या करूं। मैं बताऊं, अपने हट पे चलते हैं पहलगाम, नजर भी मार लेंगे और टाइम पास भी हो जाएगा। तुम मिलो रोज ही मगर है ये बात भी होगी नदी, कहीं वहीं से तो नहीं, अपनी वाली जगह।
पहाड़ों के पीछे वाली। पर एक बात बता, इन पूरे 4 सालों में तू रही ना मेरे साथ, दिखती रही हर जगह, फॉलो करते रही। ये क्या बात है, तुमको क्या फॉलो करते रहते हो मुझे भूतों की तरह? बोलो बोलना भाई, प्लीज बोलना। अबे तू है कहाँ, इज्जत में कि कहाँ है? देख ज्यादा हाइड एंड सीक मत खेल मेरे साथ, मुझे सब पता है तुझे क्या चाहिए। और इस बार ना शादी तक वेट ही नहीं करूंगा, चांस ही नहीं लूंगा मैं। कंगनी मिलेगी प्लीज। अब बता कौन हुआ मैरिज? भाईजान, आपके ससुर ने लिटिगेशन वापस ले लिया है, अब अपना होटल वापस शुरू होगा। अच्छा, तो कल सवेरे निकलते? वो कुछ पेपर वर्क हैं और कुछ फॉर्मेलिटीज बस। अरे आप रहने दो ना, मैं चला जाऊंगा, आप यहीं रुको ना आराम से, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बाय। यस। नजर आ तो खोल खोल खोल, चलो चलो जल्दी करो, चल 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 चल। अबे मैं, चल तू ठीक है? अरे पागल, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ? नहीं 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 प्लीज, मैं यहीं रहूंगा, बस मैंने डिसाइड कर लिया है। वालेकुम, बजाओ ताली। वालेकुम, ठीक छू बस असल पे। हेलो जा सर, आप यहाँ जल्दी आ जाए, वो जना पूरे टाइम किससे बात करता है, मेरा शक है कि वो एक जिन पालता है पुलिस। अरे तू कब आया? बस अच्छा किया, मिलते रहना चाहिए। नहीं तो वापस कब जा रहे हैं? क्या बात है भाईजान, आपने एक बार भी लैला के बारे में नहीं पूछा,
ओ हाँ, कैसी हो? किससे बातें करते हो? किसी से नहीं, मतलब? मतलब सारा गांव क्या बात कर रहा है? मुझे फोन क्यों आ रहे हैं? क्या चल रहा है? उनको मत देखो भाईजान, मुझसे बात करो। बताओ क्या हो, क्या रहा है? हाँ यार, ये दिस इज सो एम्बैरेसिंग। प्रॉब्लम ये नहीं है जैद कि मैं बात करता हूं, क्या बात करता हूं, किससे बात करता हूं। प्रॉब्लम ये है ना कि पिछले 4 साल से मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि एक वक्त आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊं। पर अब मैं जो कर रहा हूं ना, जिस भी तरीके से यहां पहुंचो, खुश आज अच्छा है ना, इंतजार नहीं। हाँ, वापस कब जा रहे? देख अंधेरा होने से पहले तुझे घर नहीं जा रहा मैं। मतलब तू आज रात यहीं रुकेगा? नहीं, मैं अब यहीं हूं आपके साथ। ठीक है, क्या करेगा तू यहां पे? तुझे क्या मैं पागल लगता हूं? मैंने बोला था वो नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। धोखे से घेर रहे हैं मैं। क्या चाहते हैं? मैं भाग जाऊं? जहां जाओ तो ये गांव आ जाता है, पूरी दुनिया को खाए, हर जगह को साथ है। ये लोग कहीं यहां रहना किसको है? तो सवाल ही उठता कि जाए तो जाए कहां? तू चुप कर, ठीक है? मुझे तेरी बात नहीं सुननी। पता ना क्या हुआ था, मरवा दिया था तूने मुझे। मुझे सुनना ही नहीं है? नहीं 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 नहीं, ठीक, मैं नहीं सुनने वाला तेरी बात। सुन के देख लिया मैंने क्या हुआ, ठीक है? अब से जो करूंगा ना मैं करूंगा, अब सारे डिसीजन मेरे होंगे, बस मेरी बात सुन ले यार। लड़ना बंद कर यार, डिसाइड कर। अस्तगफिर अल्लाह, हमारी नमाज खराब कर दी। हमारे सामने आके खड़ा हो गया, दिखता नहीं हम नमाज में थे। अरे पागल हो गया तू, पागल हो गया तू। अरे चाचा पागल है, हुलिया देखिए ना इसका, शक्ल से मजनू लगता, जाने दीजिए इसको। जाओ 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 भाई। ला हौला वला कुव्वता, सारी नमाज बिगाड़ दी कम वक्त ने। चलिए सफेद दुरुस्त कीजिए, नमाज नहीं इसलिए से होगी। मुझे क्यों मारा? अरे बेशरम, अरे खुदा का खौफ कर, दबाओ जाए यहां से। मुझे क्यों मारा? तू यहां से जाता है दो जख्म में जाएगा। मुझे क्यों मारा? दबाओ जाए से। मुझे क्या किया मुझे मारा? हां मारा कि मैं अपने माशूक से बात कर रहा था। तू चुप रह, मैं बात कर रहा हूं इनसे। मैं मारा कि मैं अपने माशूक से बात कर रहा था, मैं नहीं देख पाया, मैं खोया हुआ था, मैं नहीं देख पाया आप लोगों को। आपने तो अपने माशूक से बात करे थे, आपने मुझे कैसे देख लिया? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या बकवास, क्या बकवास करता है, क्या बकवास कर रहा है? निकल आजा से। कैसे देख लिया मुझे? नहीं नहीं मुझे तुम लोग चलो चलो, जरूरत ही नहीं है तुम्हारी।
फिक्र नहीं है कोई गर्ज नहीं बस इश्क हुआ है कोई मर्ज नहीं मुझे फिक्र नहीं है मुझे अकल नहीं मैं असल में तू हूँ तेरी नकल नहीं कोई फिक्र नहीं है कोई गर्ज नहीं बस इश्क हुआ है कोई मर्ज नहीं मुझे फिक्र नहीं है मुझे अकल नहीं मैं असल में तू हूं तेरी नकल नहीं गेट को जल्दी भाईजान भाईजाना जग में जग सा होकर रह तू सुनता रह बस कुछ ना कह तू बातें पत्थर ताने तोहमत हमसा होकर हंस के सह तू एक शोर उठा घनघोर उठा फिर गौर हुआ एक आग लगी कुछ खाक हुआ कुछ पाक हुआ पहाड़ों के पीछे वाला घर कोई फिक्र नहीं है कोई गर्ज नहीं बस इश्क हुआ है कोई मर्ज नहीं मुझे फिक्र नहीं है मुझे अकल नहीं मैं असल में तू हूँ तेरी नकल नहीं तेरी नकल नहीं तेरी नकल नहीं तेरी नकल नहीं हाफिज हो गया हाफिज काफिर काफिर बन गया काफिर 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 बन गया काफिर हाफिज हाफिज हो गया हाफिज 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 हो गया हाफिज काफिर काफिर बन गया काफिर 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 बन गया काफिर हाफिज हाफिज हो गया हाफिज
हाफिज हाफिज हो गया हाफिज 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 हो गया हाफिज 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 हो गया हाफिज काफिर काफिर बन गया काफिर और काफिर काफिर बन गया काफिर भाईजान देखो तो कौन आया। कैसा है तू? अभी लैला आई है देख तो। तू मुझे बताएगा लैला आई है? लैला आई हर रोज आती है, हर जगह होती है, तो क्या बात हो गई? कैस कैस तू मेरी बात सुन। कैस कोई समझा, कोई फायदा नहीं। होश में आ जा यार, देख तो कौन पता है मुझे कौन है। बच्चों जैसी बात करता है। ये लैला है, मालूम है मुझे। पर वो कौन है? क्यों वो लैला नहीं है? तस्वीरों में, इस दीवार में, मेरी सांसों में, मुझ में, तुझ में, हर जगह बस एक ही ना। लाइला 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 Layla, 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 चुप करो। Layla, बता भी क्या पकड़े हो? सेट। Layla, पागल हो गए आप? युवा खराब हो गया आप? सेट छोड़ दो उसको। ये क्या आप समझ नहीं रहे? तुम नहीं समझ रहे हो। मैं समझने की जरूरत भी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, तू घबरा मत। सब ठीक है अंबू, वो बस आगे निकल गया है, तो अब मुझे भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन मेरी बात सुनो, पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। थैंक यू, बहुत किया है तूने हमारे लिए, अब एक आखिरी एहसान करना होगा। क्या बोल रहे हो आप? जिंदगी ना बहुत लंबी होती है, पर हमेशा के लिए नहीं होती।
खत्म भी हो जाती है, और अगर उससे पहले मेरा वक्त आ गया ना तो उसे मेरी मजार पे ले आना। अब आप क्यों ऐसे? उसी चश्मे के नीचे, और उसे कहना कि फलक की ओर देखे। पत्ता चनारों का जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ, दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में। मेरे गुनाह
सवाबों में शामिल तू भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू रखू छुपा के मैं सबसे वो लैला मांगू जमाने से रब से वो लैला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला तेरी तलब थी हाँ तेरी तलब है तू ही तो सब थी हाँ तू ही तो सब है कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला ओ मेरी लैला लैला ख्वाब तू है पहला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला ओ मेरी लैला लैला ख्वाब तू है पहला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला यहाँ पे भी तू हूरों से ज्यादा हसी यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं जीत ली है आखिर में हम दोनों ने ये बाजिया रखू छुपा के मैं सबसे वो लैला मांगू जमाने से रब से वो लैला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला हाँ तेरी तलब है तू ही तो सब थी हाँ तू ही तो सब है कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला ओ मेरी लैला लैला ख्वाब तू है पहला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला ओ मेरी लैला लैला ख्वाब तू है पहला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला करूं दिन को रातें करूं तेरी जुल्फों को सहला के बातें करूं इश्क में उन बातों से हो मीठी सी नाराजियां रखूं छुपा के मैं सबसे वो लैला मांगू जमाने से रब से वो लैला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला हाँ तेरी तलब है तू ही तो सब थी हाँ तू ही तो सब है कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला ओ मेरी लैला लैला ख्वाब तू है पहला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला ओ मेरी लैला लैला ख्वाब तू है पहला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला बिन सजना के दिल दीवाना माने ना ये